दोस्तों डिजिटेक मार्केट में धमाल मचा रहा है, चाहे वो एक्शन कैमरा हो, आपकी लाइटिंग हो, ट्राइपॉड हो, ऑडियो सिस्टम, माइक हो, वायरलेस, सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिलती है इस ब्रांड से। और मैं बार बार आपको डिजिटेक इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इनका जो प्राइस है, जो इनका बजट रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है और उसके साथ क्वालिटी आपको मिलती है A1। आज मैं आपके लेके आया हूँ ये नया डिजिटेक का एक्शन कैमरा जो कि शूट करता है 5K। ऑलरेडी मैंने इसको अनबॉक्स करके रख दिया, लेकिन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको दिखाता हूँ कि अनबॉक्सिंग करते हुए आपको इस कैमरे के साथ मिलता क्या क्या है। तो दोस्तों इस कैमरा के साथ आपको मिलता है ये बहुत ही बढ़िया कैरी केस, और कैरी केस खोलने के बाद आप अंदर देखेंगे आपको इतनी सारी चीजें जो हैं मिलती हैं। कैमरा को आप देखेंगे यहां पे वाटरप्रूफ हाउसिंग के साथ आता है, सो अब अगर आप अंडर वाटर करना चाहते हैं, ये हाउसिंग के साथ आपने बस कैमरा को अंदर फिक्स करना है और आपने इसको अंडर वाटर ले जाना है, आराम से शूट कर सकते हैं। और साथ में मिलती है आपको बहुत सारी एक्सेसरीज जिससे आप कैमरा को अलग अलग जगहों में माउंट कर सकते हैं, आप बाइकिंग मोटर व्लॉगिंग का शौक है वो कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम आपको मिलती है एक ये एक और स्पेयर बैटरी। गाइस मार्केट में जितने भी एक्शन कैमरास हैं, आपको पता है 25-30 हज़ार से कम एक्शन कैमरास आते नहीं हैं मिनिमम, और साथ में इतनी सारी एक्सेसरीज अगर आप लेने जाओ आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस गो कैम के साथ आती है। साथ में आपको मिलता है USB-C टाइप चार्जर और HDMI केबल भी। एंड अब बात करते हैं इस कैमरा के फीचर्स की, इसको क्लोजली मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटेक का गो कैम जो कि बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही क्यूट सा है। आप पीछे की तरफ यहां देखेंगे, यहां पे आपको 2 इंच की आपको HD स्क्रीन मिलती है और यहां साइड में आपको जो स्लॉट्स दिए हुए हैं, हमारा HDMI का यहां पोर्ट है, देन हमारा चार्जिंग के लिए सी टाइप यहां पे ऑप्शन दिया हुआ, और कार्ड जो है गाइस यहां पे ये कैमरा अप टू 128GB TF कार्ड भी सपोर्ट करता है। और वाटरप्रूफ केसिंग की बात करें जो अभी हाउसिंग मैंने आपको दिखाई, उसके साथ अप टू 100 फीट तक आप इसको अंडर वाटर लेके जा सकते हैं। इनबिल्ट स्पीकर इसमें दे रखा है और पीछे की तरफ जो स्क्रीन है, आप जो ऊपर जो M बटन है इसको जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे, इससे ये कैमरा जो है ऑन हो जाता है। और साइड में ये जो बटन है, इससे आप इसकी पूरी सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे M बटन को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आप यहाँ पे आ गए हैं इसके इंटरफेस पे, और ये साइड वाले बटन पे क्लिक करके आप डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में, सेटिंग्स में जा सकते हैं। सो सपोजिंग अगर हम यहाँ पे जाते हैं इसकी वीडियो सेटिंग्स में, यहाँ पे ओके बटन को मैं क्लिक करूंगा, आप देखेंगे वीडियो रेजोल्यूशन पे आ गए। तो ये कैमरा अप टू 5K 30 FPS शूट कर सकता है, 4K आप 60 कर सकते हैं, 1080p आप 60 FPS भी शूट कर सकते हैं। एंड गोइंग बैक नाउ, ये आपको मिलते हैं अदर ऑप्शंस, जैसे स्टेबलाइजेशन की बात करें, लूप वीडियो है आपके पास, फास्ट मोशन है, फील्ड ऑफ व्यू आप कितना रखना चाहते हैं, आपको विंड नॉइज रिडक्शन ऑन रखनी ऑफ रखनी है, ये आपके पास ऑप्शन है, देन लो लाइट की सेटिंग है, डेट स्टैम्प आ गया, देन गोइंग बैक टू मेन्यू आप यहां पे फोटो सेटिंग्स पे आते हैं, जैसे ही आप ओके करेंगे यहां पे आपको फोटो रेजोल्यूशन दिखेगा, 48 मेगापिक्सल तक की फोटोज आप इस एक्शन कैमरा के साथ खींच सकते हैं। एंड लॉन्ग एक्सपोजर, ISO अगर आप सेट करना चाहते हैं, ये क्लिक करके ISO आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं इसके साथ, टाइम लैप्स, बर्स मोड, टाइमर, ये सारी चीज़ें आप इस छोटे से कैमरा के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो गाइज अब इस कैमरा को बाहर लेके चलते हैं, बिकॉज आई एम श्योर मोस्टली आप लोग इसके साथ आउटडोर बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो इसको बाहर लेके चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्वालिटी मिलती है। ऑलराइट गाइज, तो हम आगे बाहर चेक करने के लिए कि डिजिटेक के इस गो कैम के साथ आपको क्या फुटेज मिलने वाली है। सो अभी हमने कोई माइक नहीं लगाया हुआ है, जो ऑडियो है डायरेक्ट आप इस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है वो आप सुन पा रहे हैं, कैसा लग रहा है ऑडियो नीचे बताना। और स्टेबलाइजेशन जो है आप चेक कर सकते हैं, मैं अभी मूव कर रहा हूं। अगर आपने कल को इस कैमरा के साथ व्लॉगिंग करने का अगर प्लान किया या मोटर व्लॉगिंग करनी है, सो कुछ ऐसी आवाज, कुछ ऐसा कलर्स और फुटेज आपको मिलने वाली है। अभी इस टाइम पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 FPS पे, और थोड़ा चलते हुए शॉट्स लेते हैं, देखते हैं कि हमारे को कितना फर्क मिलता है जब हम थोड़ा चल रहे हैं और लाइट चेंज हुई है। जैसे मैं एकदम हार्श लाइट से अभी शेडो में आ गया हूँ तो कैसा रहेगा। एंड यस, सो हम आ गए ऊपर टेरेस पे जस्ट टू चेक कि हमारा ये कैमरा कितना कमाल कर रहा है, और जिस प्राइस रेंज का ये कैमरा भाई, वो आप सुनोगे वो तो आप हिल जाओगे। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा अगर हम इसको भागते हुए ले, तो ये स्टेबलाइजेशन है जो आपको इस कैमरा के साथ मिलने वाली है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और अभी इसके साथ हम कुछ फोटोज लेके देखते हैं कि ये फोटोज वाइज कैसे काम करता है।
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ गए स्टूडियो में चेक करने के लिए कि अगर आप इंडोर्स में होंगे और आप इंडोर में इस कैमरा को यूज कर रहे हैं अगर ब्लॉगिंग के लिए, तो ये कुछ फुटेज है जो आपको मिलने वाली है। एंड अगेन ओवरऑल मुझे जो भी स्क्रीन पे मैं देख रहा था, मुझे क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बट अब जब हम एडिट पे बैठेंगे तब चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली इसका आउटकम है। और आप भी ज़रूर बताना कमेंट करके कि इस टाइम पे जैसे अंदर हम लोग हैं, लाइटिंग उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ऑल्सो फैन वगैरह की आवाज़ सब आ रही है, आपको साउंड क्वालिटी इसका कैसा लग रहा है? वेल, तो कैसा लगा आपको डिजिटेक का ये गो कैम? और अगर प्राइसिंग की बात करें, ये आपको अभी मिल रहा है मार्केट में 6999 का। इसका बाइंग लिंक जो है मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्राइस रेंज में आपको इस कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी और क्या ये आप खरीदने वाले हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।